गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रीना सेखावत सूर्या वर्धन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम हिंदी व्याकरण में कक्षा 3 और 4 में व्याकरण और भाषा के बारे में बात करेंगे। तो कल हमने भाषा की जानकारी दी थी, अब भाषा और व्याकरण दोनों के बारे में बताएंगे। तो देखिए कि प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं, प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं, इन नियमों की सही जानकारी हमें व्याकरण के द्वारा ही प्राप्त होती है। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने लिखने का ज्ञान हमें व्याकरण से ही प्राप्त होता है। और इसके जो कुछ नीचे उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों को आप देखिए। तो ये वाक्य आप ध्यान से देखिए कि यह मेरा साइकिल है, क्या ये वाक्य आपको सही लग रहा है? और दूसरे नंबर पे आता है कि टीना आइसक्रीम है, खा रही हूँ, क्या ये वाक्य सही है? और तीसरे नंबर पे आता है कि लता बहुत अच्छा गाता है, तो क्या ये वाक्य आपको सही लग रहे हैं? तो देखिए ऊपर दिए गए वाक्य व्याकरण की दृष्टि से ऐसा है। आगे के जो वाक्य है वो शुद्ध रूप से आप कैसे लिखेंगे वो देखिए। यह मेरी साइकिल है, तो अब आपने ऊपर जो वाक्य देखा कि यह मेरा साइकिल है, ये वाक्य क्या शुद्ध है? और ये नीचे जो वाक्य लिखा हुआ है कि यह मेरी साइकिल है, ये पूर्ण रूप से शुद्ध है। अब सेकंड नंबर पर जो आपने ऊपर वाक्य देखा था कि टीना आइसक्रीम है, खा रही, तो अब जो वाक्य हम शुद्ध रूप से लिख रहे हैं
धन्यवाद।